हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू जयास किचन खजाना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरवा करेले की रेसिपी, जो आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो करेले को सबसे पहले नमक पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसे उसमें थोड़ी देर छोड़ देंगे। उसके बाद उसे इस तरीके से छील लेंगे और इसका छिलका जो है इसे रख लेंगे। इसे अच्छे से निचोड़ करके इसे रख लेंगे, क्योंकि इसे हम यूज़ करेंगे स्टफिंग के लिए। आप करेले को बीच से स्लिट करके उसके अंदर का जो गूदा होता है वो अच्छे से निकाल लेंगे चाकू की मदद से। इस तरीके से इसे पूरा खाली कर लेंगे अंदर से। तो अब ये सारी चीजें चाहिए हमें, करेले के जो छिलके थे उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे और उसके बाद उसे यूज करेंगे, उसका ये गूदा और प्याज और लहसुन। और ये सूखे मसाले चाहिए, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। कढ़ाई में ऑयल गर्म करिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाए इसमें डालेंगे जीरा और सौंफ। इसे थोड़ी देर भुनेंगे, क्रैकल हो जाए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। यहाँ प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लें। इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देख सकते हैं प्याज इस तरीके से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें जो करेले के जो छिलके थे जो हमने छील करके रखे थे उसे निचोड़ लिया था, उसके बाद इसे इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये जो करेले यूज किए हमने उसका जो गूदा निकाला था वो भी ऐड कर देंगे और सारे सूखे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे मसालों को। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम लहसुन। लहसुन को क्रश कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसमें इस स्टेज में ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम आमचूर का पाउडर और ये रेडी है मसाला। इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है अच्छे से। अब ये करेले को लेंगे और इस तरीके से प्रेस करके इसमें स्पेस बनाएंगे और ये जो फिलिंग बनाई है हमने वो इसके अंदर फिल कर देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए पूरा अच्छे से भर लेंगे। इसी तरीके से सारे करेले भर लेंगे। अब एक धागा लेंगे और इस तरीके से करेले के ऊपर लपेट देंगे ताकि जो फिलिंग है इसके अंदर हमने भरी, जब इसे फ्राई करेंगे, जब इसे सेकेंगे तो वो फिलिंग बाहर नहीं आएगी। तो इसे धागे से लपेट लेंगे और जब इसे हम सर्व करेंगे तो उस टाइम इस धागे को निकाल देंगे। तो ये सारे मैंने करेले जो फिलिंग किए थे उसमें धागे अच्छे से लपेट लिए हैं। अब हम इसे शेलो फ्राई करेंगे, अच्छे से सेकेंगे। तो कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसे उसमें ऐड कर देंगे और इसे सब तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। इसे बीच बीच में ढक करके भी पकाएंगे ताकि जो करेला है वो पके भी और अच्छे, तो ये अच्छे से सिकेंगे भी
और जल्दी पकेंगे भी। तो इसी तरीके से इसे सारी तरफ से सेक लेंगे इन्हें। तो इस तरीके से इसे पलटते हुए बार बार सेक लेंगे, बीच बीच में इसे ढकेंगे भी। तो ये करेले, स्टफ्ड करेले, भरवा करेला बनके रेडी है। ऐसे सर्व करें, इसके जो थ्रेड है उसको निकाल दें और इसे सर्व करें। ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे इस तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। एंड ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक यू।